तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। आज हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंस गैसेस हैं जिनके काफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद थोड़े बहुत जो है BA में भी आता है, ठीक है, उसके बाद BA BSc में भी आता है, इसका जिक्र आता है, इसको सीधा सीधी पूछ लिया जाता है आपको केमिस्ट्री में या GK GS में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से गैस है कि मतलब कि कौन सा गैस किस नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि मतलब एक होता है ना उपनेम, उनको किस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रोड्यूस जो जो ये है आपको ये जो, तो पहला है प्रोड्यूसर गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है। तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को यार आपको पूछता है तो CO होता है, ठीक है। तो ये होता है कार्बन कितने मतलब कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, और ऑक्सीजन का क्या है, 8 है, ठीक है। ये धीरे धीरे मैं ये भी बताता चलूँगा कि आपको ये भी याद होता चलेगा, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन का क्या है, 7 है, एटॉमिक नंबर की बात हम कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर की बात हम कर रहे हैं, तो ये है, ठीक है। उसके बाद आता है मास गैस। मास गैस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मास गैस ये है, आपको मैथेन को बोलते हैं, मैथेन को मास गैस बोलते हैं। ये जो है फिलहाल दलदलों में पाया जाता है या जहाँ पेड़ पौधे दब जाते हैं वहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक है। फिलहाल मतलब कि जैसे गोबर हो गया, गांव में जो गोबर होते हैं उसमें भी ये पाया जाता है, ठीक है, मैथेन, ठीक है। तो ये जो होता है क्या होता है, कार्बन एक होता है, इसको इस तरह से दर्शाते हैं C, इस तरह से 4 कार्बन होते हैं, मतलब ये जो होता है इस तरह से इसका जो मिश्रण बनता है, ठीक है। तो 4 कार्बन से और एक चार हाइड्रोजन से और एक कार्बन से जो है इसका बंध बनता है, ठीक है, बाउंडिंग बनता है, ठीक है। तो इसमें यह है कि जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, और कहीं कहीं पर ये उसमें भी आता है 2 भी हो जाता है, तो ये भी उसी अक्रिय गैसों में आता है। और कार्बन का कितना होता है, 6, आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। और इसमें जो मिश्रण बनाया गया है, एक हाइड्रोजन का है और एक कार्बन का है और 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलके ये मास गैस या मीथेन बना है, ठीक है। उसके बाद आता है गैमेकिजीन, ठीक है। गैमेकिजीन जो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड से बनता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड से। तो ये आपको ये जो दिख रहा है ये है बेंजीन। बेंजीन अगर कोई पूछता है तो ये होता है C6H6, मतलब कि पूरी तरह से अस्थाई होता है, ठीक है। उसके बाद 6 क्लोरीन भी हैं, तो मतलब कि आप समझ लीजिए इसको, मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूँ कि इसमें क्लोरीन का क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 17 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया और कार्बन का कितना हो गया, 6, ठीक है। तो ये टोटल इतने एटॉमिक नंबर हैं, इनका क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, ये भी एटॉमिक नंबर है और इवन भी एटॉमिक नंबर है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, सॉरी, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और कार्बन का 6 है, ठीक है। उसके बाद आता है फॉस्जीन। फॉस्जीन का होता है कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड जो होता है वो ये है, जिसको कार्बोनेट भी बोलते हैं, तो ये कार्बोनिल है। उसके बाद ये क्लोराइड है, ठीक है, Cl2 मतलब कि दो कार्बोनेट का जो मिश्रण मिलाया गया है, इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो जो कार्बन का हो गया 6 हो गया एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का 8 हो गया और क्लोरीन का कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है। ये आपको यहाँ से समझ में आ रहा है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे सिरका। सिरका किसको बोलते हैं, आप लोग ज़्यादातर घर में यूज करते हैं सिरका को, तो उसको बोलते हैं एस्टिक अम्ल, ठीक है, या तनु विलियम, इसे तनु विलियम भी बोलते हैं, ठीक है। ये अगर आपको केमिस्ट्री में कहीं पूछ देता है कि तनु विलियम कौन सा है, तो CH3COOH, ठीक है, और इसको एस्टिक अम्ल भी बोलते हैं। इसको घर में हम जो लोग सिरका यूज करते हैं, सिरके में यही होता है CH3, इसको बोलते हैं एथिल ग्रुप है ये, ठीक है। और COOH मतलब कि एक हाइड्रोजन की कमी से, ठीक है, एथेन, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसमें जो आपको सादे पता ही है, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 6 होता है, ठीक है, ये आपको पता ही है। फिर उसके बाद है कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल को हम बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल ग्रुप आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कि फिनॉल ग्रुप का रासायनिक नेम मतलब कि फॉर्मूला बताइए, ठीक है, तो वो आपको सीधा सीधी पूछ लेगा कि फिनॉल का इसमें फिनॉल का कौन सा रासायनिक फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पूछ लेगा। तो ये है C6H5OH, मतलब कि बेंजीन का C6H6 होता है, ठीक है। अगर आपको C6H5OH का कहीं निकल जाता है तो ये है अल्कोहल ग्रुप। OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। आपको यह मतलब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अल्कोहल ग्रुप है, कौन सा बेंजीन ग्रुप है, ठीक है, कौन सा कार्बोलिक है, और उसके बाद इस तरह से होता है। फार्मिक अम्ल भी होता है, एस्टिक अम्ल की जगह पे फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है, ये फिलहाल आपको नीचे दिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एल्कोहल, ठीक है, तो ये होता है एथाइल एल्कोहल, ठीक है।
एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल का मतलब होता है C2H5, मतलब कि एक एच की कमी होती है, ठीक है। और अगर एथेन होता तो C2H6 होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि एथेन का जो ग्रुप का मतलब रासायनिक फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। तो यहाँ अगर आप 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 4 प्लस 2, मतलब कि C2 यहाँ रखते हैं तो H6, तो ये फार्मूला में रखेंगे तो आप हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सीधा सीधी मेरा समझाने का मतलब ये था कि अल्कोहल का क्या होता है, एथाइल अल्कोहल होता है C2H5OH, ठीक है। उसके बाद वुड सिप्रिट मतलब कि आप जो पॉलिसोलिस उसमें होता है वो हो सकता है, यही है, ठीक है। तो वुड सिप्रिट का होता है मिथाइल अल्कोहल होता है, जो यहाँ एथाइल अल्कोहल है यही मिथाइल अल्कोहल है। तो अल्कोहल और वुड सिप्रिट में सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ एथेन का यूज किया गया है और यहाँ मेथेन का, ठीक है। तो CH3OH, इसमें भी एक एच की कमी की गई, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सीधा सीधी ये है कि इसको इस फॉर्मूले पर रखा गया, देखिए मान लीजिए CnH2n+1, ठीक है। उसके बाद इसको इसमें कर लीजिए और एक OH सब में लगेगा, OH सब में लगेगा। तो यही आप जो फार्मूला रखेंगे, यहाँ 2 रख दीजिए 2 हो जाएगा, ये 2 × 2 यहाँ 2 पहले से है, यहाँ 2 n = 2 रखे हैं तो ये 2 × 4 हो जाएगा और प्लस 1 5, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 1 2 1 3 1 4, ये यहाँ जो आपको दिख रहा है ये हो जाएगा 2 1 3 3, CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले पर रखा गया। मंड का देख लीजिए, मंड का क्या होता है, स्टार्च होता है C6H10 और 10O5, ठीक है। तो मंड का क्या होता है, स्टार्च होता है, स्टार्च आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद TNB का मतलब होता है ट्राई नाइट्रो बेंजीन। सीधा सीधी बेसिक यही है कि आपको जो ये दिख रहा है ट्राई नाइट्रो बेंजीन जो है इसी में है। तो मतलब कि ये जो अलग से 3 लगा है ब्रैकेट के बाहर, इसे ट्राई बोलते हैं, ठीक है। फिर होगा TNT मतलब ट्राई नाइट्रो टॉलविन। तो मतलब कि इसमें जो है C6H2CH3NO2 (3), ठीक है, देखे बार 3। फिर अंगूर का रस को बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज। किसको बोलते हैं, अंगूर के रस को बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि ग्लूकोज या अंगूर के रस, आपको किसी से पूछना है तो जैसे पूछे कि अंगूर के रस का फॉर्मूला बता दो बस, तो वो जानेगा ही नहीं, तो बता नहीं पाएगा। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये कहीं नहीं आपको मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो अंगूर का रस का होता है उसे बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोज आप जो पीते हैं गर्मियों के दिन में, तो इसे बोलते हैं C6H12O6। मतलब कि आपको पता होगा कि जो हम ग्लूकोज पीते हैं उसमें क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए फार्मेलिन का होता है फार्मेल्डिहाइड का 10% विलियम, मतलब CHCHO, मतलब फार्मेल्डिहाइड जो ग्रुप है यही है CH2CHO, ये फार्मेल्डिहाइड ग्रुप हो गया, इसमें H और लगा दिया है तो ये हो गया फार्मेल्डिहाइड का 10% विलियम हो गया। और फ्रियोन का मतलब होता है ड्राई क्लोरोडाई फ्लोरो कार्बन, ठीक है। तो CF2Cl2 मतलब कि डाई क्लोरो डाई फ्लोरो, मतलब फ्लोरो का मतलब क्या, डाई मतलब कि जो 2 यूज किया गया उसको डाई बोलते हैं, ठीक है, कि 2 गुना, ठीक है। उसके बाद 2 है, फ्लोरीन का हो गया 9, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, ठीक है, आपको याद रखना होगा। तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 9 है और क्लोरीन का हमने बताया ही था कि 17 होता है और कार्बन का 6 होता है। तो इसमें फ्लोरीन 2 गुना यूज किया गया, तो डाई फ्लोरो कार्बन जो 1 है वो कार्बन हो ही गया, ठीक है। यूरिया आपने देखा होगा खेतों में जो पड़ता है यूरिया, उसको मतलब कि कैसे, मतलब कि रासायनिक फॉर्मूला उनका क्या होता है, तो उसे बोलते हैं हम कार्बामाइड बोलते हैं, यूरिया को बोलते हैं क्या, कार्बामाइड, उसे बोलते हैं NH2CONH, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन अमोनिया CONH, ठीक है, इसको भी अमोनिया बोलते हैं, ठीक है, ये भी है, लेकिन सॉरी ये अमोनिया, हाँ ठीक है। तो इस तरह से NH2CONH2, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कार्बामाइड, यूरिया को कार्बामाइड बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म, ये काफ़ी बेस्ट, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये वाला, और फ्रियोन भी है, फॉर्मिल अंगूर का रस भी ग्लूकोज है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म को बोलते हैं ट्राई क्लोरोमेथेन का मतलब होता है Cl3 यूज किया गया है, आपको यहाँ दिख रहा है, तो ट्राई क्लोरोमेथेन का मतलब हो गया कि CH, ये भी है इसमें, मतलब कि इसमें सीधा सीधी होता है कि कोई भी हम रासायनिक फार्मूला बनाते हैं उसमें क्या होता है कि हम जो केमिकल बाउंडिंग है, जो केमिकल के जो आबंध है, बाउंड है, उसको हम एक दूसरे से अटैच करें, ठीक है, कि उसके जो सबसे बाहरी कक्ष हैं, जो सबसे बाहरी सेल हैं, उसमें जो है जो अस्थायी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आएँ, ठीक है, इसलिए मतलब कि 8, ठीक है। तो
इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।